नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कबीर ग्रंथावली भाग 3 और इसका शीर्षक है विरह को अंग। कबीर दास जी के पदों अर्थात दोहों का यह तीसरा भाग है। विरह को अंग शीर्षक के अंतर्गत इसको रखा गया है। इस भाग में आत्मा को परमात्मा का ही एक अंश माना गया है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर संसार में आ पड़ी है। वह परमात्मा से मिलना चाहती है, परंतु माया मोह लोभ मद आदि उसके पथ में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। मिलन के अभाव में विरह उत्पन्न हो गया है। इस विरह को ही कबीर ने इन पदों में प्रस्तुत किया है। लीजिए शुरू करते हैं। विरह को अंग पद 1। रात्यों रोनी विरहिणी ज्यों बंचों को कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगटिया विरहा पुंज। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। रात्यु यानि रात भर, बंचव यानि क्रौंच पक्षी, प्रजल्या यानि जलना, विरहा पुंज यानि विरह दुख का समूह। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। प्रसंग है कि यहाँ पर आत्मा परमात्मा के वियोग से उपजने वाले विरह दुख का वर्णन किया गया है। सच्चे प्रेम में विरह एक अनिवार्यता होती है। उसमें तड़पकर ही प्रेमी तक पहुँचने की राह पाई जा सकती है। व्याख्या: आत्मरूपी विरहिणी रात भर वियोग के दुख से दुखित होकर रोती रहती है, जैसे कि क्रौंच पक्षी मादा क्रौंच से बिछुड़कर बागों में अपनी करुण पुकार लगाता रहता है। विरह की इस अग्नि से हृदय जलने लगा है और उसी अग्नि से विरह की विराटता प्रकट हुई है। अब पद सौंदर्य देखिए, इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है, दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण सांतरस तथा सधु कड़ी भाषा इसमें प्रयुक्त हुई है। विशेष सच्चे प्रेम में विरह दुख को अनिवार्य माना गया है। सच्चे प्रेम में मिलन की तड़प होती है। पद 2। अंबर कुंजा कुरलियां गरज भरे सब ताल, जिन पे गोविंद भी छुटे तिनके कौन हवाल। अंबर यानि आसमान, कुंजा यानि क्रौंच पक्षी, कुरलियां यानि चीतकार। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं। क्रौंच पक्षी मादा क्रौंच के वियोग में इतनी करुणा के साथ बाग बगीचों में क्रंदन करने लगा है कि उसके दुख से द्रवित होकर बादलों के आंसू निकल आए। इन आंसुओं से सभी ताल तलैयां भर गए। जब एक पक्षी के वियोग से यह हो सकता है, तो जो अपने परमात्मा से
बिछुड़ गए हैं, उनकी दशा की भला न जाने क्या पराकाष्ठा होगी, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। पदलालित है इसमें अनुप्रास, दृष्टांत और लोप्तोपमा अलंकार हैं। दूसरा जो दोहा छंद है, गीता है, माधुर्य गुण है, शांत रस और सदुक्कड़ी भाषा है। पद की विशेषता है कि आत्मा परमात्मा से बिछुड़न का विरह दुख सबसे ज़्यादा दुखदायी और प्रभावकारी होता है। पद तीन, चक्की बिछुरी रैण की आई मिली पर भात, जे जन बिछुरे राम सू ते दिन मिले ना रात। चकवी एक बाधा पक्षी का नाम है, रैण यानी रात, प्रभात यानी सुबह। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या है, मादा चकवा पक्षी अपने नर चकवा पक्षी से रात भर बिछड़े रहने के बाद प्रातःकाल होने पर पुनः मिल जाती है, परंतु परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा तो ना दिन को ही मिल पाती है और ना ही रात को, उसका वियोग चिर वियोग होता है। पद सौष्ठव, इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार हैं। दूसरा दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण, शांत रस और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष इस दोहे में इस मिथक का प्रयोग किया गया है कि चकवा चकवी रात को बिछुड़ जाते हैं और दिन में फिर से मिल जाते हैं। चार, बांसुरी सुख ना रैण सुख ना सुख स्वप्ने माही, कबीर बिछुटिया रामसू ना सुख धूप ना छाह। बांसुरी ने दिन, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं, जो आत्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है उसे किसी भी अवस्था में सुख प्राप्त नहीं होता, न दिन में न रात में, यहाँ तक कि सपने में भी वह दुखी रहता है। धूप का कष्ट छाया में जाकर मिटाया जा सकता है, पर वियोगी को छाया में भी सुख नहीं मिलता। पद सुषमा, इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार हैं। दोहा छंद, माधुर्य गुण, शांत रस और सदुक्कड़ी भाषा पहले की तरह है। विशेष है आत्मा का विरह दुख सब दुखों से बड़ा होता है। पद पांच, बिरहनी ओभी भी पंथ सिर पंथी बूझई धाय, एक शबद कह पीव का कबर मिलेंगे आए। ऊबी यानी खड़ी हुई, पंथ सिर यानी राह के सिरे पर, पंथी यानी राहगी। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं, जिस प्रकार विरहिणी नायिका रास्ते के किनारे खड़े होकर व्याकुलता के साथ प्रत्येक राहगीर से अपने प्रेमी का पता जानना चाहती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से बिछुड़ जाने पर व्याकुल रहती है। भक्त अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हुए बस यही जानने के लिए उतावला रहता है कि वे उसे इतना बता दें कि परमात्मा रूपी प्रिय उसे कब मिलेंगे। पद सौंदर्य है, इसमें दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, माधुर्य गुण है, गीतात्मकता है, शांत रस है और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष
भक्त को एक ही आशा होती है और वह है परमात्मा मिलन की आशा। पद 6। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारे राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। ज्योति यानि देखना, बाट यानि रास्ता। संदर्भ प्रसंग पूर्वक व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा रूपी विरहिणी कह रही है कि हे परमात्मा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेरे प्राण आपके मिलन हेतु तरस रहे हैं। इसी कारण से मैं मन में तनिक सा भी चैन नहीं है, परम व्याकुलता छाई हुई है। पदलालित्य दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, गीतात्मकता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुकड़ी भाषा है। विशेष विरहिणी आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिलता। पद 7। बिरहिन उठाए भी पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे दे होगे सो दर्शन की ही काम। मुआ यानी मरने पर। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं। कबीरदास कहते हैं, आत्मा रूपी विरहिणी वियोग के दुख में इतनी क्षीण काया वाली हो गई है कि वह दर्शन के निमिष उठती है तो गिर पड़ती है। इसलिए यदि परमात्मा ने मर जाने के बाद दर्शन दिए भी तो भला वह किस काम के रहेंगे। पद 6, इसमें दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुकड़ी भाषा है। विशेष बिरहाकुलता की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है। अब पद 8। मुआ पोछई जिन मिले कहें कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौड़े काम। शब्दार्थ है, पारस यानी ऐसा पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, यह एक मिथक है। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या है, हे परमात्मा, यदि आप मृत्यु हो जाने पर मिलेंगे तो वह मिलन व्यर्थ होगा। आप मृत्यु के बाद मत मिलना। तरह तरह के पत्थरों पर घिस घिस कर देखने पर जब लोहा ही खत्म हो जाए तब पारस पत्थर मिले भी तो वह भला किस काम का। पद सुषमा है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुकड़ी भाषा है। विशेष बात यह कि इसमें पारस पत्थर के मिथक का प्रयोग हुआ है। पद 9। संदेशड़ा ना भाजसी संदेशौ कहिया, कह हरि आया मानसी कह हरि ही पास गया। अंदेशड़ा यानि आशंका, भाजसी यानि भागना, नष्ट हो जाना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं। विरहिणी आत्मा कहती है कि मेरे मन में अनेक आशंकाएं हैं जो दूर नहीं होती, इसलिए परमात्मा के प्रति मेरा यही संदेश है कि या तो वे भागते हुए चले आएं और मिल जाएं, अथवा फिर मैं ही भागकर
उनसे जा मिलूंगी। पद सौंदर्य माजसी में यमक अलंकार है। विषय दूसरा और इसमें दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है और सदुकड़ी भाषा है। विशेष आत्मा अपने संदेहों से मुक्ति नहीं पाती। पद दसवां आई न सकूं तुझ पई, सकूं न तुझ बुलाई, जेरा यों ही लेहुगे बिरह तपाई तपाई। शब्दार्थ इसमें कोई कठिन है नहीं, शब्द संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। आत्मा अपनी वियोगावस्था में कहती है कि मेरी व्यवस्था यह है कि मैं स्वयं तुम तक पहुंच नहीं सकता और ना ही तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि हे परमात्मा, आप मुझे विरह की अग्नि में तपा तपा कर मेरे प्राणों को ही हर लोगे। पदलालित अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदो कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष बात यह है इसमें कि आत्मा की विवशता का चित्रण हुआ है। पद ग्यारहवां देखिए, यह तन जालों मस करो जो धुआं जाए सरग्य, मतवे राम दया करें बरस बुझावें अग्नि। शब्दार्थ है जालों यानी जलाना, मस यानी स्याही रोशनाई जिससे लिखते हैं, सरग्य यानी स्वर्ग, अग्नि यानी आग। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं, विरहिणी आत्मा कहती है कि मैं अपनी देह को जलाकर स्याह राख कर देना चाहती हूँ ताकि उसका धुआं उठकर स्वर्ग तक जा पहुँचे। उस धुआं को देखकर परमात्मा दयार्द्र हो जाएंगे और अपनी करुणा तथा कृपा की वर्षा कर मेरी विरहाग्नि को बुझा देंगे। पद सुषमा इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुकड़ी भाषा है। पद की विशेषता यह है कि शरीर को जलाने से सांसारिक रागों से मुक्ति की भावना प्रकट हुई है।